डैड डैड लिसन लिसन डैड, वो आपको बेवकूफ बना रही है। कभी बन के देख पुत्र, बड़ा मजा आता है। लैला जी। अरे लक्ष्मी नारायण जी, अब आ गए। आइए आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। सो नाइस टू सी यू। पूरा 9 लाख। थैंक यू। और मेरी गड्डी कितने है? अरे थोड़ी पॉलिशिंग चल रही है, आप लोग जल्दी करो, लक्ष्मी नारायण जी आ गए हैं। और ये भी कैश है पूरा, गिन लीजिए। ठीक है जी। गिन लीजिए बराबर। ये क्या है? 10-10 की गड्डी मिली, क्या करेंगे? ये 10-10 की गड्डी है? अरे ये तो चड्डी है, ये चड्डी को गड्डी बोलती है। ये चड्डी है? ये, अरे मैंने इस पर गड्डे डाले थे, चड्डी कहाँ से आ गई? ये तो मेरे डिजाइन है, आपके पास कहाँ से आए? हाय जिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुमने लक्ष्मी नारायण से कहा मेरे सैंपल्स लेके मुझे गोली मार दे, नाम ना पोट्टू गोली अड़कनी पार। डैड आपने इसे ऐसा कहा? पहले ये बताइए है कौन? डैड ये जिया, जिसके डिजाइन आप लेने आए थे। तो मैं तो इनको मिला भी नहीं हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, ये कौन है? मैं लक्ष्मी नारायण, कच्चे बनान वाला। तो वो कौन था? एक मिनट, कौन कौन था वो? डैडी चक्कर क्या, आप इनसे मिले नहीं क्या? अरे तुमने मुझे लिफाफे में इसकी तस्वीर भेजी थी, तो मैं इसको कैसे मिलता? और ये दूसरे लक्ष्मी नारायण के लिए था। ये दूसरा लक्ष्मी नारायण है कौन? सर आप कैसा बम बनाते, फटता ही नहीं वो। डिप्लोमा डिप्लोमा। अबे कहाँ से लिया था डिप्लोमा? पापा पापा आगे से जाके सामने से दबाते हैं, कुछ चीजें पीछे से दबाने पर काफी नहीं था। पापा चड्डी लेने आया था और मैंने गड्डी मिल गई। उस लक्ष्मी नारायण का सोचो, तो बेचारा गड्डी लेने आया था और चड्डी लेके जाएगा। ये तो वही गाड़ी है जो मैं लक्ष्मी नारायण जी। वो पीपट वाली लक्ष्मी नारायण की नहीं, पता नहीं कहाँ होगा वो। वो दूसरा लक्ष्मी नारायण मैं ही हूँ। यही तो था मेरे बगल वाले कमरे में, यही था। राइट सर। मैम ये गाड़ी खरीदने मैं ही आया था मिस्टर पीपट के लिए। ओह या मिस्टर पीपट, उन्हीं का फोन आया था मेरे पास। राइट मैम, मैं उनका खास आदमी हूँ। पीपट का आदमी? राइट सर। यार एक बात बता। जी सर। ये जो तेरा पीपट है, है? ये सर। उसकी कोई औरत नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, उनकी तो दो औरतें हैं। दो औरतें? राइट सर। और ऊपर से एक आदमी भी रखा, चला कैसा आदमी होगा। उस खिड़की में आओ, कम आउट। ये ले ले, ये तेरा फोटो ले, ये गलती से मेरे पास आ गया। हाँ सर, सर ये आपका फोटो, आप इसी मानने आए थे ना सर? वंस था क्यों नहीं सर, ये शार्प शूटर सर। जी मैं कफन नहीं पहना तो मैं कच्छा पहना था। आप इसे माने नहीं आए थे, तो फिर इसे माने कौन आया था? तीसरा लक्ष्मी नारायण जो मेरे पास आया था। मिस्टर विवान, विवान कहाँ खो गए भाई? मैं आपको बताना ही भूल गया था कि इसमें सिर्फ 7 मिनट का ऑक्सीजन रहेगा। Only 7 minutes. सर ये क्या मजाक है, बाहर निकालिए। बाहर निकालना आपका काम है। इस बॉटल में खून दो, मैं इन्हें सांसें दूंगा। सिंपल। टाइमर इज ऑन मिस्टर विमान। और 30 सेकंड तो कब के बीत चुके। क्विक।
मिस्टर खान सिया की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, अगर कोई हादसा हो जाता तो। हादसे सिर्फ जिंदगी में होते हैं मिस्टर विवान, गेम्स में रूल्स होते हैं, और इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है, यू विल ओनली डाई इफ यू लाई, इफ यू लाई। तू है, तू है, मेरा विश्वास टूट गया। कभी कभी खुशी में इंसान पागल हो जाता है मामा जी। दुख में भी हो जाता है, मैं हो गया था ना। बोले बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे खर्च हो गए मामा जी। खर्च हो गए सब? क्या है ना मामा जी, एक ही बैंक लूटा था ना, दो चार बैंक लूटे होते तब भी खर्च हो जाते, खर्चीले लोग हैं ना हम लोग। तो फिर इसकी मंगनी कैसे होगी? देखिए मामा जी, मेरी मंगनी को बीच में मत लाओ। तुम भी बीच में हो भांजे, और तुम्हारी होने वाली मंगनी भी बीच में है। राज, इनकी हंसी पर ब्रेक लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, चोरी नहीं करूंगा मैं, चोरी नहीं करूंगा। अरे कहां टेढ़े होके जा रहे हो, यहाँ खड़े होके बात कीजिए। यार मैंने अभी अभी अंदर संजना की कसम खाई है कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा यार। आज के बाद ना? हाँ। अरे आज तो 12 बजे रात तक है, 11 बजे काम खत्म कर लेंगे। सुन सुन, मिनिस्टर के घर पे चोरी करने का फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। मामा जी आप घर जाइए, हम पैसे लेके वहां पहुंचते। घर? मेरा घर तुमको पता नहीं है, तुम्हारा घर मुझे पता है। लेकिन मामा जी। अरे काहे का मामा होगा तेरा बाप? जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं तुम दोनों के पीछे परछाई की तरह लगा रहूंगा, समझ गए? ये समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा बॉस हूं, और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे, समझे? ओके बॉस। ओके। मना किया था ना तुम्हें? मेरा भाई कहाँ है? उसे जाने दो, उसे जाने दो। लुक एट मी, उसे जाने दो, वरना हट लौटे लौटा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को, उसे जाने दो। मुझे वहां नहीं जाना है, प्लीज मेरी बात के लिए मानते हो? पैसे लो, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो छोड़ो प्लीज, जाना दे। जीवित है तुम्हारा भाई? जाने दो उसे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। कौन सी कीमत? इक्कीस लाख 11,110। फिर से जुर्माना। और वो सजा? और मेरा भाई? हेलो, बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। इस स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है, लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आई सिटी में अचानक आई कहां से? साहब जी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। रंजीत, रंजीत ये कुछ बेचने आया है।
क्या बेचना है भाई? ओ, लाश, लाश। लाश? हम भी इसी तरह झटका खा गए थे मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहा है? इस घर में लाश? नहीं, कोई मामूली लाश नहीं है। ना, ना, ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है। पर ये तो ऐसी लाश है, कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामो! बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ए गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ए जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। मामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। समीर तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। ए बुड्ढे, तू सबको टेंशन देता है, अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक कर रहा था। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने में कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज़ मैडम, स्वामी टच्चित सर्वंस्त्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छास। छास बेचने आया। छास? सांप को दूध की बीमारी है, छास से ही दूर हो सकती है। ये रिमोट बॉम्ब का थोड़ी है। तो किसका रिमोट है ये? ये टीवी का रिमोट है। तो टीवी किधर? नहीं है। टीवी रिमोट खरीदा है, टीवी खरीदा है, तो ये बॉम्ब का रिमोट ना है। इसको दबाने से बॉम्ब ना फटेगा। तो दबा के देख लेते हैं। घबराते क्यों? जब बॉम्ब है ही नहीं तो फटेगा नहीं, और जेते ये फटा तो तुम सब फटोगे। तो भाई वन नो 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 टू, ओए तू किधर जा रहा है? थ्री। यहाँ बॉम्ब है ही नहीं। अरे बॉम्ब होता तो फटता ना, और फटता तो बॉम्ब होता। चुप, बिल्कुल चुप। अब जेते कोई बड़ा पाओ पाओ करमला, जोर से बोलो जय माता दी। पाओ पाओ, फिर से बोलो जय माता दी। मैं पूछ रही हूँ आवाज कौन निकाल रहा है? पाओ पाओ। ये किसके पापा का बच्चा नीचे फंसा है? पाओ पाओ, मैं बताना भूल गया था, ये टाइम बम है पापा। क्या बोल रहे हैं? गलती से बाय मिस्टेकन पापा रिमोट बम के जगह टाइम बम ले आया था पापा। आया तो ये भी बता दे कि कितने बजे फटेगा। अंकल जी 6 बजे। बाय द वे पापा, टाइम क्या हुआ है? एक मिनट एक मिनट, 6:03 मतलब 1 2 3। पापा बम फटा क्या पापा? क्या हुआ, क्या था? आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। आप तो इमोशनल हो गए, लेकिन बात जरूर कुछ सीरियस रही होगी। नहीं, आई एम सच अ गॉसिप गर्ल। सो गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, और मैं कहता हूं हिट फॉर अ हिट विल गिव माय वेबसाइट मिलियंस ऑफ हिट्स। सो आपका टास्क है, आपको अपनी पत्नी से झापड़ खाना होगा। यस सिया जी, कम ऑन, टेक ऑफ योर ग्लव्स और लगाइए एक जोरदार चाटा अपने पति के मुंह पे। कम ऑन। सिया जी, झापड़ पापड़ की तरह होता है, जब तक कड़क नहीं हो तो मरा ही नहीं आता ना। लुकिया, ये मीटर तय करेगा आपका झापड़ कितना कड़क होना चाहिए। देखा, 120, बिलो 120 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कम ऑन कम ऑन, या वन मोर सिया जी। जोर से सिया।
वन मोर, जोर से मारिए ताकि उन्हें समझ में आए कि माँ के लिए बच्चा किरण आसान नहीं होता। मारिए। विमान क्या हुआ? क्या आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी है ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। आपको क्या पता मेरा सबसे बड़ा डर? इस बॉटल में खून दो, जिसका पति जॉबलेस हो उसके लिए तो एक एक रुपये मायने रखता है। That's it. We got it, Siaji. Great. That's it. Sia, it's okay. मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आदमी हमारे बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें जानता है जो ना तो हमने उसे बताई और ना ही फॉर्म पे लिखी। तुम्हारा एबॉर्शन, मेरा जॉब का जाना, मेरा खून का फोबिया, सब कुछ उसे कैसे मालूम? हाँ, मिस्टर विवान, सातवां सवाल आपके लिए। क्या आपने कभी किसी अजनबी को बेवजह नुकसान पहुंचाया?